हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ और अभी भाई कुंभ के मेले में जा रहा था नहाने। रात को आया था मैं लेट थोड़ा, मतलब रात को ही निकला था वहाँ से 10-11 बजे। तो यहाँ पे मैं पहुँचा था लगभग 11-12 बजे के आसपास पहुँचा था। तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं तो मैं इसीलिए यहाँ पे आ गया हूँ आज, और अपनी कार से आया हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला पूरा रास्ता कैसे इस वीडियो में, थोड़ा ये गाड़ियों पे, गाड़ी से रिलेटेड नहीं होगा लेकिन हाँ गाड़ी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन सब कुछ गाड़ी के बारे में नहीं होगा, थोड़ा सा ये व्लॉग टाइप का होगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी के पास, गाड़ी थोड़ी आगे मैंने पार्क कर रखी है, तो गाड़ी में चलते हैं फिर बात करते हैं। तो ये गाड़ी देखिए, एकदम रात को मैं चला के लाया हूँ और मिट्टी मिट्टी पूरी गंदी हो रखी है कार, मतलब एकदम गंदगी मच चुकी है इसके अंदर, लेकिन अंदर से साफ है, ये अच्छी बात है। गाड़ी हो बट गाड़ी गर्म हो गई अंदर से काफी। स्टार्ट करते हैं कार को और जरा गर्म हवा बाहर भेजते हैं। अभी मैं पूरा ऑल द वे अयोध्या से ड्राइव करके लाया हूँ, तो ट्रिप मीटर पे 160 किलोमीटर हुआ है एंड अभी 270 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और 18 km/h का माइलेज अभी दिखा रहा है। वैसे मैं 19 से ऊपर ही निकाल रहा था लेकिन कार अभी खड़ी थी और शहर में चली तो 1 किलोमीटर का ड्रॉप हो गया। तो चलिए अब चलते हैं प्रयागराज और कुंभ का बाकी सब मैं आपको रोड दिखा। पहुँच तो गए हैं, यहाँ की पार्किंग में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया, बाय गॉड इतनी ट्रैफिक लगी हुई थी रोड पर। तो बस अब मैं यहीं कार पार्क करके अब मैं जा रहा हूँ नहाने, और बाकी तो फिर अब आप लोग को मैं रिकॉर्ड करके दिखाता ही रहूँगा। अब ये कैमरे की वजह से बट काफ़ी फायदा है पार्किंग में, पूरा असिस्ट कर देता है कैमरा पार्क करने में गाड़ी। तो कार पार्क कर दी है, ₹60 यहाँ पे टोल रिसिप्ट का ले रहे हैं, ₹60, मतलब हद मचाई हुई है, ₹60 की पार्किंग दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद जाते देखते आगे और कहाँ कहाँ पैसे लूटे जाते हैं। गर्मी लेकिन अच्छी खासी हो रही है, गर्मी में कोई नहीं है, पूरी पार्किंग है यहाँ पे और वो कार खड़ी है अपनी, वो ब्लैक वाली, ये देखिए। तो अब मैं जा रहा हूँ वहीं पे, देखते हैं जाके कि कैसा रहता है बाकी का एक्सपीरियंस, और कार का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुंभ के बारे में भी बताऊँगा और कार के बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो बैटरी रिक्शा बैठा हूँ अभी और बस जा रहे हैं, और क्या कुछ ऐसी भीड़ बहुत ज़्यादा है और आगे का देखते हैं।
अभी नहाने जा रहे हैं, नहाते हैं फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग करते हैं वैसे। हाँ तो अब मैं वापस प्रयागराज से निकल चुका हूँ और अभी मैं रोड पर ही हूँ और कार अभी मैं चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। और माइलेज आप लोग देख सकते हैं कि सिटी में मैं जब चला रहा था तो थोड़ा ड्रॉप हो गया है, अभी 14.4 का है, 15 के आसपास। और अभी मैं नेविगेशन का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका भी अच्छा खासा यूज़ करके अब देख रहा हूँ कि कितना एक्यूरेट है और कितना ये सही से काम करता है। इनबिल्ट वाला है इसमें, तो इनबिल्ट वाला नेविगेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ फोर्ड का, तो ये भी मैं देखता हूँ। अभी अभी तक तो इसने जितनी चीज़ें बताई सब सही बताई और रोड काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आ रहा है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है रोड पे कि कहाँ से जाना है, रास्ता सब कुछ। तो रोड अभी ऐसी ही है, वन वे पूरी। तो चलते हैं आगे और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी मैं 60 की स्पीड को कांस्टेंट स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि उससे ऊपर जाता हूँ तो ब्रेक मारने पड़ते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। तो अभी देखते हैं आगे, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी यहाँ पे 4 लेन जो हाईवे उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो प्रयागराज को बाकी अदर सिटीज से जोड़ेगा। तो ये पूरा यहाँ पे रोड यहाँ खुदी हुई है, तो ये पूरा वन वे हो रखा है रास्ता। और थोड़ा ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है दिन में। रात को मैं आया था, जब आया था फैजाबाद अयोध्या से, तब रात को खाली था रास्ता, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ काम भी चल रहा है। तो जैसे ही लेट्स सी अगर ये जल्दी बन जाता है तो बहुत ही इजी हो जाएगा लोगों का आना जाना, वरना क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और जगह जगह डाइवर्जन है, जैसे फ्रंट में भी है डाइवर्जन अभी वहाँ पे। और यहाँ पे लोग उल्टी सीधी गाड़ी चलाते भी हैं, फ्लाईओवर भी बन रहा है यहाँ पे, तो ये फ्लाईओवर का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। और अभी भी माइलेज मुझे 16-17 का ही डिलीवर हो रहा है, तो ठीक ठाक है क्योंकि काफ़ी बीच बीच में गियर चेंज हो रहा है, रात की तरह नहीं है। रात को मैं 20 का निकाल लिया था माइलेज, लेकिन दिन में ऐसा माइलेज नहीं निकल पा रहा क्योंकि एसी भी ऑन है और इस वक्त 30 डिग्रीज 29 डिग्रीज टेम्परेचर है, जो कि बहुत ठंडा है, नहीं गर्म ही है अभी तरीके से। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ जगह तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा रोड बन चुकी है, मतलब तैयारी है, बस थोड़ी लाइनिंग है और बगल की बाउंड्री बाकी है, वरना रोड खोल दी गई है, 2 लेन हो चुकी है। तो अब ये काफ़ी अच्छा हो गया, ये पैच जो 10-15 किलोमीटर का है काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं 80 की स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। और रोड भी काफ़ी अच्छी बनी है, वैसे सीमेंटेड ही है, कंक्रीट की, तारकोल की रोड नहीं बनी है। और अभी कार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, खराब रास्ते भी आए थे बीच में बहुत उबड़ खाबड़, तो उस पर भी एकदम ग्लाइड कर गई ऊपर से। मैं 60-50 के नीचे स्पीड नहीं ले गया और कार निकलती गई, बल्कि एक बलैरो वाला स्लो कर लिया था, मैं निकाल लिया अपनी गाड़ी, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ही हो पा रहा है सब। और ये जैसे जानवर पड़े रहते हैं ना, तो प्लीज इन लोगों के लिए आप अपनी कार को, मतलब अगर आपके पास जगह है, टाइम है, तब तो आप बचा लीजिए टायर के नीचे से, मेरा मैसेज है, टायर तब बचा लीजिए। अगर आपके पास जगह है, कोई पीछे आ नहीं रहा, तो आप लेन चेंज कर लीजिए। अगर कोई पीछे आ रहा है तो प्लीज लेन चेंज मत कीजिए, वो चढ़ जाएगा ऊपर, आप उस गाड़ी, उस कुत्ते के ऊपर या कोई भी जानवर के ऊपर आप चढ़ा देंगे गाड़ी, तो आप बच जाएंगे। और हो सकता है अगर आप लेन चेंज कर लें तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो प्लीज ये चीज जरूर करिए। तो देख लीजिए ये रास्ता कैसा है, गंदा एकदम, मुझे जगह नहीं मिल रही, वरना मैं निकाल लूँ, मुझे अंदर कुछ नहीं फील हो रहा, लिटरली कार एकदम गंदे रास्ते पे ऐसे निकल जा रही है ऊपर से, इतने खराब रोड हो रखी है इस वक्त, ऊपर नीचे आप लोग खुद ही देख सकते हो, और मिट्टी इतनी उड़ रही है। तो इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना 4 लेन का, वही तो वही अब रोड काफी खराब है और कोई कहीं से भी घुस रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी मैं फिलहाल पहुंच गया हूँ, सुल्तानपुर क्रॉस कर गया हूँ, तो 1 घंटा और लगना चाहिए, 1.5 घंटा ज़्यादा ज़्यादा, फिर हम अयोध्या पहुंच जाएंगे। अगर ऐसी रोड मिली, खाली नहीं हुई रोड, इसी स्पीड से चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे इतना जल्दी, बट लेट सी, दिखा रहा है गूगल में कि 1.5 घंटा लगेगा, हम गूगल को बीट कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं।
वैसे अभी तक नेविगेशन की अगर मैं बात करूँ तो नेविगेशन का काफ़ी अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा है, इनबिल्ट है, तो मेरी उतनी उम्मीद नहीं थी मुझको कि ये उतना अच्छा परफॉर्म करेगा जितना अच्छा गूगल मैप्स करता है, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी रास्ता जो जो है वो पूरा एकदम एक एक्यूरेटली रास्ता वो मुझे बता रहा है, और मतलब कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक मुझको ऐसी खास। और पेट्रोल पंप कहाँ पे है उसके भी इंडिकेशंस देता रहता है, जैसे ये है पेट्रोल पंप कितनी दूर पे है तो वो सब बताता रहता है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड आएगा, कितने किलोमीटर्स के बाद आएगा, तो काफ़ी अच्छा है। और आपको टाइमिंग भी दिखाता रहता है, कितने किलोमीटर्स लेफ्ट है वो भी दिखाता रहता है, तो काफ़ी मतलब जो इंडिया के हिसाब से है ये सैटेलाइट, वो नेविगेशन सिस्टम इनबिल्ट काफ़ी अच्छा है फोर्ड का वो। मतलब अगर आप में नहीं है इसमें, जैसे एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, तो ये मतलब काम चला दे रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलिए अभी मैं ऐसे ग्लाइड करता जा रहा हूँ रोड पे, मैं ग्राउंड क्लियरेंस पे भरोसा करके एकदम भगा लिया गाड़ी मिट्टी में से, पीछे मैं एकदम मिट्टी छोड़ते हुए आया हूँ, और सब देख रहे थे, लाइन में चले पड़े थे, और मैंने एकदम से मिट्टी को क्रॉस करते हुए पूरा रास्ता ले लिया। अब देखते हैं, रास्ता से काफी खराब है लेकिन कार एकदम मस्त जा रही है, रास्ते पे मजा आ रहा है चलाने। मैं मिल्कीपुर रोड क्रॉस किया हूँ और फैजाबाद अब यहाँ से 20 किलोमीटर है लगभग, और अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस कार का भी है और नेविगेशन सिस्टम का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो देखिए अभी जैसे आप बोर्ड दिख रहा है, हम लोग पहुंच गए हैं फैज़ाबाद, यहाँ से राइट लेंगे, फैज़ाबाद बाईपास आ गया है, इधर से लेफ्ट की तरफ जो है, यहाँ से अगर लेफ्ट लेंगे तो हम लखनऊ चले जाएंगे, लेफ्ट लेके लखनऊ का रास्ता है, और अगर हम यहाँ से राइट लेते हैं तो रास्ता गोरखपुर को जाएगा, और दोनों फोर लेन ही है यहाँ पे, तो ये रास्ता तो खैर बहुत अच्छा है नहीं, और एक टोल बीच में पता नहीं किस बात का वो लोग ले रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि रोड तो अभी बनी नहीं पूरी और टोल पहले लगा रखा है उन्होंने। तब फिर अब पहुँच गया हूँ मैं, और मेरा माइलेज अभी 18 के आसपास डिलीवर किया है कार ने मुझको, तो माइलेज भी ठीक ठाक दिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और लगभग मैंने 2000 का पेट्रोल भराया था, तो मैं 2000 तो 1500 के पेट्रोल में आ जाके हो गया मेरा, अभी 500 का लगभग पेट्रोल है मेरी कार में। तो चलिए अब मैं बाकी बातें आप लोगों से घर पे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं घर वापस आ चुका हूँ, और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं भी ये जो क्लिप अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लिप मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आते ही सो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग की एंड तो मैंने रिकॉर्ड की नहीं, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने व्लॉग करना अभी शुरू किया है, एंड ये पहला व्लॉग मैंने अपने चैनल पे डाला है अभी तक, तो अगर आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद आते हैं जिसमें मैं कार के साथ साथ कुछ बाहर की रोड टिप्स और दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ, लाइफस्टाइल, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ऐसे व्लॉग्स और रैंडमली डालता रहूँगा, एक एक व्लॉग्स मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ व्लॉग्स जो अच्छे बनेंगे मुझसे वो सब मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा व्लॉग तो ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, वो नीचे रेड बटन है उसको ब्लू कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रेड कलर का बटन है नीचे सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी, एंड सेफ चलिए, गुड बाय।